गाइस अब तक आपने मोबाइल फोन्स में बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा, लाइक सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, एआई हो गया, लेकिन आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है एनपीयू। और आपको बताऊंगा कि ये एनपीयू क्या होता है और क्यों हम लोगों को इसकी जरूरत है और क्यों ये हमारा फ्यूचर है। सब कुछ मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये एनपीयू होता क्या है। गाइस इसका फुल फॉर्म होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट और ये एक डेडिकेटेड चिप होता है ऑनबोर्ड, जैसे कि जीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया, वैसे ये भी एक चिप होता है और ये काम करता है एआई के ऊपर। और इससे एआई जो फीचर्स हैं वो ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं और ये टोटली काम करता है सिर्फ और सिर्फ एआई के ऊपर। गाइस आप लोगों को पता होगा कि किरिन 980 दुनिया का पहला ऐसा प्रोसेसर बन जाता है जिसमें आपको ऑनबोर्ड एनपीयू देखने को मिलता था, यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, और जिसका आर्किटेक्चर बनाया था टीएसएमसी ने। और गाइस आप में से जिन जिन लोगों को पता नहीं कि आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। गाइस आपने बहुत बार सुना होगा कॉर्टेक्स A76, कॉर्टेक्स A75, और आपने सुना होगा इतने नैनोमीटर में ये प्रोसेसर बनता है। ये सब आर्किटेक्चर कंपनीज बनाते हैं, जैसे कि टीएसएमसी हो गया, एआरएम हो गया। और आप लोगों को पता है एआरएम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एआरएम में ज़्यादातर कंपनीज की आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, लेकिन ये जो किरिन 980 वाला आर्किटेक्चर था 7 नैनोमीटर का, वो बनाया था टीएसएमसी ने, जो कि कॉर्टेक्स A76 के ऊपर बेस्ड था 7 नैनोमीटर में, जिसमें आपको सबसे पहला एनपीयू देखने को मिलता था, यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। और गाइज आप में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो प्रोसेसर कंपनीज होते हैं वही आर्किटेक्चर बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये सब चीज़ें एकदम ही गलत हैं। जो आर्किटेक्चर कंपनीज है वो अलग होते हैं और जो प्रोसेसर मेकर्स होते हैं वो अलग होते हैं। गाइज आर्किटेक्चर कंपनीज जितना अच्छा आर्किटेक्चर बनाएंगे प्रोसेसर उतना अच्छा बनेगा, यानी आपको जितना अच्छा आर्किटेक्चर यानी जितना छोटा आर्किटेक्चर मिलेगा उतना ज़्यादा पावर एफिशिएंट और पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। गाइज ये सब चीज़ें आर्किटेक्चर कंपनीज बनाती हैं, प्रोसेसर कंपनीज अलग से चीज़ बनाती हैं, जैसे कि मोडेम हो गया, उनका जो मेन प्रोसेसर जीपीयू हो गया, ये सब बनाते हैं प्रोसेसर कंपनीज। और गाइज आप लोग ये जान लीजिए कि जो एनपीयू होता है वो काम करता है स्पेशली एआई के ऊपर और एआई को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ये डेडिकेटेड चिप दिया जाता है, यानी एनपीयू। और गाइज आप लोगों को पता होगा जो क्वालकॉम ने 855 निकाला था वो भी 7 नैनोमीटर के ऊपर है, कॉर्टेक्स A76 के ऊपर, जिसमें आपको ऑनबोर्ड एनपीयू देखने को मिल जाता है, यानी उसमें भी आपको एआई भर भी देखने को मिल जाएगा। और गाइज मैंने वीडियो के पहले आप लोगों को बता था ये चीज़ हमारा फ्यूचर है, और गाइज ये हम सभी लोगों को पता है कि एआई हमारा फ्यूचर है और हर चीज़ में आपको एआई आपसे देखने को मिलेगा और एआई और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और एआई से हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। सो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही समझाना था कि एनपीयू क्या होता है और क्यों हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। सो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ठोक डालो यार। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मतलब से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।